अच्छा, आज हम देख रहे हैं जावा के अंदर जो एक्सेप्शंस का हमारा टॉपिक चल रहा है उसके अंदर एक क्लास, आपको याद है हमने एक क्लास पढ़ी थी सिर्फ एक्सेप्शन के नाम से, जो कि सारी एक्सेप्शन क्लासेस की पेरेंट क्लास आप कह सकते हो, सुपर क्लास आप कह सकते हो। ठीक है, अगर मैं आपको यहाँ पे वो हायरार्की की पिक्चर दिखाऊं एक्सेप्शन क्लास की, तो यहाँ पे देखिए एक्सेप्शन क्लास है। इस एक्सेप्शन क्लास से सारी ये जो रन टाइम एक्सेप्शन है, हमने दो टाइप पढ़ी थी ना, एक चेक्ड एक्सेप्शन और एक रन टाइम अनचेक एक्सेप्शंस। ठीक है, तो रन टाइम एक्सेप्शंस जितनी भी हैं वो अनचेक एक्सेप्शंस में आती हैं। ठीक है, तो यहाँ पे देखो एक्सेप्शन है सुपर क्लास, उससे एक क्लास बनी है रन टाइम एक्सेप्शन और उसके अंदर सारी एक्सेप्शन है। ठीक है, जिस तरह हमने अरिथमेटिक एक्सेप्शन की थी, ठीक है, नंबर फॉर्मेट एक्सेप्शन की थी, एरे इंडेक्स आउट ऑफ बाउंड एक्सेप्शन की थी, ठीक है, तो ये सारी आपके पास किसमें से निकलती है, एक्सेप्शन क्लास और उसमें रन टाइम एक्सेप्शन क्लास में से। ठीक है, तो यहाँ पे अब हम देखते हैं कि एक्सेप्शन क्लास का यूज क्या है। ठीक है, सिर्फ एक्सेप्शन क्लास का, क्योंकि जितनी भी आपके पास एक्सेप्शन क्लासेस हैं वो इस एक्सेप्शन क्लास में से निकली हैं। ठीक है ना, तो यहाँ पे आते हैं, फॉर एग्जाम्पल इसका अब हम यूज देखते हैं। ठीक है, मैं अपने मेन मेथड के अंदर फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे एक हमने जो एक्सेप्शन पढ़ी थी अरिथमेटिक एक्सेप्शन की, अगर हम नंबर को डिवाइड करेंगे जीरो से तो अरिथमेटिक एक्सेप्शन हमारे पास आती है। ठीक है, तो अगर फॉर एग्जाम्पल मैं यहाँ पे एक वेरिएबल बनाऊँ एक्स और इसके अंदर मैं 5 को डिवाइड करवा दूँ जीरो से, ठीक है, अब इसका मतलब इस लाइन में क्या आएगी, अरिथमेटिक एक्सेप्शन आएगी। ठीक है ना, मतलब एक्सेप्शन थ्रो होगी। ठीक है, तो इस एक्सेप्शन को अगर मुझे हैंडल करना है तो मैं क्या करूंगा, इसको ट्राई ब्लॉक में रख दूंगा। ठीक है, इसको ट्राई ब्लॉक रख दूंगा और हमें पता है कि ये जो एक्सेप्शन, ये जो लाइन है जो एक्सेप्शन थ्रो करेगी वो अरिथमेटिक एक्सेप्शन होगी। ठीक है, तो उसको कैच कर लेते हैं हम यहाँ पे। ठीक है, अरिथमेटिक एक्सेप्शन है तो हम यहाँ पे क्या करते हैं, अरिथमेटिक एक्सेप्शन की जो क्लास है, ठीक है, बल्कि अभी हम यूज देख रहे हैं इस क्लास का, ठीक है, एक्सेप्शन, तो क्योंकि अरिथमेटिक जो एक्सेप्शन है वो इसी क्लास में से आ रही है ना, क्योंकि इसी क्लास से निकली है हमारे पास अरिथमेटिक एक्सेप्शन, तो हम डायरेक्ट सिर्फ इसी क्लास को यूज करते हुए सारी एक्सेप्शन क्लासेस यूज कर सकते हैं। ठीक है, मतलब मैं अलग अलग एक्सेप्शन यूज ना करूं, फॉर एग्जाम्पल नंबर फॉर्मेट के लिए भी मैं एक्सेप्शन यूज कर सकता हूँ, अरिथमेटिक एक्सेप्शन के लिए भी मैं सिर्फ एक्सेप्शन क्लास यूज कर सकता हूँ और इसी तरह जितनी भी एक्सेप्शन क्लासेज हैं उनके लिए मैं सिर्फ एक एक्सेप्शन क्लास ये यूज कर सकता हूँ। ठीक है, इसलिए इसका बेनिफिट इंपॉर्टेंस इसकी बहुत ज्यादा है। ठीक है, तो अब मैं यहाँ पे आता हूँ, फॉर एग्जाम्पल मैं यहाँ पे अरिथमेटिक एक्सेप्शन नहीं सिर्फ एक्सेप्शन क्लास, जो कि सारी क्लासेस की क्या है, सुपर क्लास है, पेरेंट क्लास है। ठीक है, तो मैंने इसका ऑब्जेक्ट बनाया। अब देखो यहाँ पे ये जो रिटर्न, ये जो लाइन है, ठीक है, ये एक अरिथमेटिक एक्सेप्शन जनरेट करेगी और यहाँ पे एक्सेप्शन क्लास इसको क्या कर लेगी, इसके रेफरेंस वेरिएबल में रख देगी। ठीक है, अब एक्सेप्शन क्लास जो है ना ये खुद ही पहचान लेगी कि यहाँ पे अरिथमेटिक एक्सेप्शन जनरेट हुई है और उसको हम एक्सेप्शन क्लास से हैंडल कर रहे हैं। ठीक है, मतलब अगर मैं यहाँ पे आऊँ और यहाँ पे फॉर एग्जाम्पल अब मैं एक मैसेज प्रिंट करवाऊँ, अच्छा मैं डायरेक्ट ई को भी प्रिंट करवा सकता हूँ। ठीक है, मतलब ये जो मैंने रेफरेंस वेरिएबल बनाया ना इस एक्सेप्शन क्लास का, उसको मैं डायरेक्ट प्रिंट करवा रहा हूँ, इससे होगा क्या आप देखना। ठीक है, मैं इसको रन करता हूँ अपने प्रोग्राम को, तो आप रिजल्ट देखना कि आपके पास क्या है, क्योंकि इस लाइन में तो अभी एक्सेप्शन आएगी। ठीक है, और जब एक्सेप्शन आती है ट्राई ब्लॉक के अंदर तो कौन सा ब्लॉक चलता है, कैश ब्लॉक चलता है। ठीक है, अब देखो ई के अंदर आपके पास वही मैसेज आ रहा है। ठीक है, मतलब अभी हम एक्सेप्शन को क्या कर रहे हैं, हैंडल कर रहे हैं, लेकिन जब जावा खुद हैंडल करता है तो ये वाला रेड कलर में दिखाता है, आपको याद होगा। ठीक है, हम अभी उसी का रेफरेंस वेरिएबल के थ्रू मैसेज प्रिंट करवा रहे हैं। ठीक है, और आपको याद होगा अगर मुझे सिर्फ मैसेज प्रिंट करवाना है, ठीक है, तो मैं यहाँ पे क्या लगाता हूँ, ई डॉट गेट मैसेज। ठीक है, तो अब आप देखना यहाँ पे आता हूं मैं, इसको रन करता हूं, ठीक है, एक्सेप्शन आई और मैसेज क्या प्रिंट हो रहा है, डिवाइड बाय जीरो। ठीक है, अगर मैं यहां से ये गेट मैसेज का फंक्शन हटा दूं तो अभी आप यहाँ पे देखना, अभी देखो हमने तो यहाँ पे सिर्फ एक्सेप्शन क्लास यूज किया ना, लेकिन वो कौन सी क्लास का ऑब्जेक्ट बना रहा है, अरिथमेटिक एक्सेप्शन क्लास का, वो खुद ही यहाँ पे समझ रहा है, मतलब ये एक्सेप्शन क्लास क्या कर रही है,
उसी क्लास को जो के एक्सटेंड हुई हुई थी, यहाँ पे अगर आप हायरार्की देखो, मैं यूज इस क्लास को कर रहा हूँ लेकिन ये ऑटोमेटिकली अरिथमेटिक एक्सेप्शन का मैसेज शो करवा रहा है, ठीक है। तो इसका मतलब एक्सेप्शन क्लास ने इस क्लास को हैंडल कर लिया, इसलिए मुझे अरिथमेटिक एक्सेप्शन लिखने की जरूरत नहीं है, ठीक है। तो अगर इसी तरह अभी ये वाली लाइन अरिथमेटिक एक्सेप्शन जनरेट कर रही थी, ठीक है, अगर मैं इसको कमेंट करूं, और आपको याद होगा कि हमने एक नल पॉइंटर एक्सेप्शन पढ़ी थी, ठीक है, उसमें क्या कर रहे थे हम, स्ट्रिंग एस, ठीक है, एक स्ट्रिंग नाम का वेरिएबल और उसके अंदर मैं वैल्यू क्या रख रहा हूँ, नल, ठीक है, और यहाँ पे आके प्रिंट में मैं क्या कर रहा हूँ, इसकी लेंथ गेट कर रहा हूँ, ठीक है, यहाँ पे आता हूँ, लेंथ गेट कर रहा हूँ। अभी देखो इसके एस के अंदर तो नल है ना, इसकी लेंथ तो कोई है नहीं, तो यहाँ पे हमारे पास एक्सेप्शन आएगी, नल पॉइंटर एक्सेप्शन, ठीक है। लेकिन यहाँ पे देखो मैं कैच करते हुए नल पॉइंटर एक्सेप्शन नहीं लिख रहा, सिर्फ एक्सेप्शन की क्लास यूज कर रहा हूँ, क्योंकि ये एक जेनरिक क्लास है। आपको याद है हमने जेनरिक क्लास का कॉन्सेप्ट पढ़ा था, ये जेनरिक क्लास क्या कर रही है यहाँ पे, एक्सेप्शन मतलब जिस टाइप की एक्सेप्शन इसको कैच करनी है, ठीक है, मतलब यहाँ पे अभी क्या हो रहा था, इस लाइन में अरिथमेटिक एक्सेप्शन जनरेट हो रही थी, तो ये एक्सेप्शन क्लास क्या कर रही थी, अरिथमेटिक एक्सेप्शन का ऑब्जेक्ट बना रही थी, ठीक है। लेकिन अगर यहाँ पे फॉर एग्जाम्पल अब मैं कौन सी क्लास का वो बना रहा हूँ, नल पॉइंटर एक्सेप्शन क्लास का, ठीक है, तो ये एक्सेप्शन क्लास नल पॉइंटर एक्सेप्शन को कॉल करेगी, ठीक है ना। देखो अगर मैं यहाँ पे उसको रन करूं, अभी इस लाइन में क्या आएंगे, एक्सेप्शन आएगी, कौन सी, नल पॉइंटर एक्सेप्शन आएगी। तो अगर मैं यहाँ पे आके इसको रन करूं, तो ये देखो, देख रहे हो, मैंने तो यहाँ पे सिर्फ एक्सेप्शन क्लास यूज किया ना, लेकिन जब कैश में मैं उसे प्रिंट करवा रहा हूं, तो ये क्या दिखा रहा है, नल पॉइंटर एक्सेप्शन, ठीक है। इसका मतलब सिर्फ एक्सेप्शन क्लास, ठीक है, यहाँ पे हायरार्की में सिर्फ एक्सेप्शन क्लास अगर आप लिखोगे, तो जिस टाइप की भी एक्सेप्शन होगी वो उस क्लास को कॉल करके उसका मैसेज प्रिंट करवा देगा, ठीक है। अगर यहाँ पे एक तो ये अब नल पॉइंटर एक्सेप्शन हो गई, ठीक है, लेकिन अगर फॉर एग्जाम्पल मैं यहाँ पे एरे, आपको याद है हमने अगर एरे की लिमिट एक्सीड कर दें तो एरे इंडेक्स आउट ऑफ बाउंड का एरर आता है, ठीक है, एक्सेप्शन आती है। तो अगर मैं यहाँ पे एक एरे बनाऊं, ठीक है, फॉर एग्जाम्पल उसके अंदर मैं 3 रख देता हूँ वैल्यू, यहाँ पे उसका ऑब्जेक्ट बना लिया, ठीक है, और यहाँ पे इसको साइज दे दिया 3। अच्छा यहाँ पे साइज नहीं आएगा, यहाँ पे मैं साइज हटा देता हूँ, क्योंकि साइज हम यहाँ पे देंगे जब हम उसको ऑब्जेक्ट बनाते हैं, ठीक है। अब फॉर एग्जाम्पल मैं इसके अंदर वैल्यू इनिशियलाइज करवाता हूँ, फॉर एग्जाम्पल इंडेक्स नंबर 1 के अंदर मैंने 12 दे दिया, इसी तरह मैं यहाँ पे इसको, ठीक है, यहाँ पे 1, 2 और ये 3, ठीक है, इनके नंबर चेंज कर लेते हैं हम, ठीक है। अब आप एक चीज नोट करो, यहाँ पे एरे की लेंथ क्या है, 3, ठीक है, लेकिन हम यहाँ पे 3 से ज्यादा, मतलब देखो मैंने क्या बताया था कि इंडेक्स नंबर 0 से स्टार्ट होता है, अगर आप इसको काउंट करो 1, 2, 3, मतलब लेंथ इसकी पूरी हो गई। और अब मैं यहाँ चौथी लाइन में क्या कर रहा हूँ, एक एक्स्ट्रा वैल्यू स्टोर करवाना चाह रहा हूँ एरे के अंदर, लेकिन लिमिट ही 3 है, लेकिन मैं 4 वैल्यूज यहाँ पे ऐड करवाना चाह रहा हूँ, तो हमारे पास एक्सेप्शन आएगी एरे इंडेक्स आउट ऑफ बाउंड्स की, ठीक है। तो यहाँ पे अब देखना, क्योंकि मैंने सिर्फ एक्सेप्शन क्लास यूज की हुई है, ठीक है ना, तो यहाँ पे अगर मैं आऊं इसको मैं रन करूं, ठीक है, तो आप देखना, देखो अब कौन सी क्लास का वो यहाँ पे ऑब्जेक्ट कैच कर रहा है, एरे इंडेक्स आउट ऑफ बाउंड्स, मतलब सिर्फ एक्सेप्शन क्लास जो कि एक जेनरिक क्लास है, ये क्या कर रही है, ऑटोमेटिकली वो जिस टाइप की एक्सेप्शन थ्रो होगी, वो जो ये जो क्लास एक्सेप्शन, वो उसी टाइप का ऑब्जेक्ट आपके पास कैच करेगी, सही है, मतलब जिस टाइप की उसको एक्सेप्शन मिलेगी, ये एक्सेप्शन क्लास उसी अपनी जो चाइल्ड क्लास है उसको कॉल करेगी। देखो यहाँ पे ये देख रहे हो एक्सेप्शन, यहाँ पे अरिथमेटिक एक्सेप्शन, एरे इंडेक्स आउट ऑफ बाउंड एक्सेप्शन, मतलब जिस टाइप की एक्सेप्शन आएगी ये उसी क्लास को अपनी चाइल्ड क्लास को कॉल कर लेगी, ठीक है, और उसी का मैसेज यहाँ पे जो हमने ई प्रिंट करवाया हुआ है वो प्रिंट करवा देगी, ठीक है, और देखो उसका मैसेज भी यहाँ पे शो करवा रहा है, सही है। तो ये इंपॉर्टेंस है आपके पास एक्सेप्शन क्लास की, ठीक है, मतलब अगर आपको फॉर एग्जाम्पल एक्सेप्शन क्लासेस का नाम भी नहीं पता, आपको सिर्फ एक्सेप्शन क्लास का पता है, ठीक है, तो आप यहाँ पे डायरेक्ट सिर्फ एक्सेप्शन क्लास भी लिख सकते हो,
लेकिन अगर आपको पता है अरिथमेटिक एक्सेप्शन, नल पॉइंटर एक्सेप्शन, तो आप वो भी लिखो, उसका भी रेफरेंस वेरिएबल बनाओ, तो कोई मसला नहीं होगा। ठीक है, तो ये आपके पास इंपॉर्टेंस है इसका, जो कि एक्सेप्शन क्लास है, सुपर क्लास है, इसके अंदर सारी आपके पास अनचेक एक्सेप्शन आपके पास आती है। ठीक है, एक्सेप्शन के अंदर रन टाइम एक्सेप्शन है, और मैंने बताया था रन टाइम एक्सेप्शन को एक्सेप्शन के कॉन्सेप्ट के अंदर अनचेक एक्सेप्शन कहा जाता है। ठीक है, और कंपाइल टाइम पे जो एक्सेप्शन आती है उनको चेक एक्सेप्शन कहा जाता है। ठीक है, क्लियर है?